In this video, we will discuss about the concept of integers. This is my second video discussing about integers. In my previous video, I discussed about what the integers are, ke integers kya hote hain. Dusra, the types of integers. Integers do tarah ke hote hain, positive integers or negative integers. Thirdly, I discussed how the integers are represented on the number line. Integers ko hum number line par kis tarah se represent karte hain. To ye sari cheeze humne apne pichle video mein maine aapke sath discuss kiya tha. अब हम आगे इस वीडियो में जो भी हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था उसको हम आगे एप्लीकेशन पार्ट पर डिस्कस करेंगे. उसका एप्लीकेशन पार्ट हम डिस्कस करेंगे. यू कैन हैव द क्वेश्चंस लाइक फर्स्ट एक्सप्रेस the integers between 3 and minus 2 on the number line. अब सपोज करो कि हमको number line पर सभी इंटीजर्स जो हमारे प्लस थ्री और माइनस टू के बीच के हैं वो सारे इंटीजर्स को हमें क्या करना है उस पर एक्सप्रेस करना है. व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वील ड्रॉ अ नंबर लाइन. सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे. जैसा मैंने आपको बताया था, इन द मिड यहां पर हम जीरो मार्क कर लेते हैं. जीरो के राइट साइड में यू रिमेंबर हमको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को मार्क करना है. तो दिस इज प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, राइट. और लेफ्ट साइड में हमको क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर्स को मार्क करना है, माइनस वन, माइनस टू, राइट. आफ्टर मार्किंग ऑल दीज इंटीजर्स, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको वो सारे इंटीजर्स लिखने हैं. एक्सप्रेस द इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड माइनस 2 ऑन द नंबर लाइन. तो माइनस 2 एंड प्लस 3 के बीच में हमारे कौन कौन से इंटीजर्स हैं, तो दैट इज माइनस 1, 0, प्लस 1 एंड प्लस 2. सेम वे राइट ऑल इंटीजर्स, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन 2 and +7, राइट. आपको वो सारे इंटीजर्स लिखने हैं जो प्लस 2 और प्लस 7 के बीच में. सेम वे हाउ विल यू राइट, यू विल डायरेक्टली डू इट. Both are positive. You can go directly plus 3, plus 2 और plus 7 को भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच के इंटीजर्स लिखने. So be cautious. हमको plus 2 और plus 7 को इंक्लूड नहीं करना है. उसके अलावा सारे इंटीजर्स plus 3, plus 4, plus 5 and plus 6. That will be your answer. Similar, if I ask, write all integers, write all integers between 4, plus 4 and minus 4. Right? So what you have to do? Now, you will start from minus 4. Minus 4 or minus
और प्लस फोर के बीच में, तो वी विल, अब देखो अगर हम नंबर लाइन पर देखते हैं तो नंबर लाइन पर इट विल बी इजियर फॉर यू टू ड्रॉ द नंबर लाइन एट फर्स्ट. हियर वी हैव मार्क जीरो टू द राइट, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री एंड देन प्लस फोर. टू द लेफ्ट साइड वी हैव माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर. राइट नाउ व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर इन दिस केस? राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन प्लस फोर एंड माइनस फोर. तो दैट इज माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू एंड प्लस थ्री. समटाइम्स वी मे ऑल्सो गेट द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फाइव, माइनस सेवन, माइनस नाइन एंड प्लस फाइव. तो टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फाइव व्हाट वी हैव टू डू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फाइव दैट इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, टू लाइंस वी हैव टू ड्रॉ और उसके बीच में जो भी आपका इंटीजर है वो लिखेंगे. नाउ दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फाइव. यू नो कि हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, वी विल बी राइटिंग द सेम इंटीजर, ठीक है, विदाउट साइन, विदाउट इट्स साइन, हम बिना साइन के वही वैल्यू को लिख देंगे. तो दैट इज 5-1. सिमिलरली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवन दैट इज इक्वल्स टू माइनस सेवन एंड दिस इज सेवन और प्लस सेवन. देन सिमिलरली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस नाइन दैट इज इक्वल्स टू माइनस नाइन एंड दैट इज इक्वल्स टू नाइन. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्लस फाइव. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्लस फाइव दैट इज इक्वल्स टू प्लस फाइव एंड दैट इज इक्वल्स टू फाइव और प्लस फाइव ऑल्सो. तो जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू या हमारी वही नंबर हो जाते हैं, यानी कि वही इंटीजर हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ. राइट? और जब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स की जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमारा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन. ठीक है? नाउ सम अदर क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू, लाइक जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी वी आर गिवन टू इंटीजर्स माइनस फाइव एंड माइनस फाइव.
minus 3 and minus 5, but they both are to be added in the manner that we have to take their absolute value. हमको क्या करना है? हमको integers को directly add नहीं करना है, हमको उनकी absolute value को add करना है. तो how do we add? हमें क्या करना है? Go to solution. Solution. How to solve it? Minus 3. What is the absolute value of minus 3? That is 3. And what is the absolute value of minus 5? That is 5 only. So 3 plus 5, that is 8. Similarly, अगर हमको एक और question दिया है, calculate minus 7 minus 5. Now what you have to do? Solution. What is the solution for this question? See, again we have to write the absolute value of minus 7. So minus 7 ki absolute value 7 minus इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5, 7 माइनस 5 दैट इज 2. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आपके चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज में मिल सकते हैं, विच आर बेस्ड ऑन इंटीजर्स, कंसेप्ट ऑफ इंटीजर जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है. इसी तरह का हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे Which of these integers lie to the right in the given pairs of integers, यानी कि हमको कुछ इंटीजर्स की पेयर्स दी होंगी और उन पेयर्स ऑफ इंटीजर्स में हमको ये बताना है कि कौन सा इंटीजर्स राइट साइड में होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक क्वेश्चन दिया है -2 -5, बी क्वेश्चन दिया है -3 and 5, थर्ड क्वेश्चन दिया है -4 and -9. डी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 and 5. ठीक है, हम इसको +3 and +5 भी कह सकते हैं, इसको हम +5 भी बोल सकते हैं. तो इसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज हमको ध्यान रखना है कि हमेशा वो इंटीजर जो हमारा ग्रेटर होता है वो हमारा राइट साइड में रहता है. ठीक है, इसके लिए हमें नंबर लाइन को याद रखना है. नंबर लाइन मैंने अपने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पर हमें क्या करना है, 0 को बीच में लिखना है. लेफ्ट साइड में हमारे क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4, राइट एंड -5, लाइक दैट. और राइट साइड में हमारे पास कौन से आएंगे? +1 +2 +3 +4. तो इस तरीके से राइट साइड में हमारे पास कौन से इंटीजर्स होंगे? वो इंटीजर्स जो हमारे पॉजिटिव होते हैं. तो 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, 0 के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स. दूसरी चीज जो हमको इसमें याद रखना है वो क्या? जब हम 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या होती है? डिक्रीज होती है. 0 के राइट साइड में जब हम जाएंगे, या आप कहो कि नंबर लाइन पर भी जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती है?
डिक्रीज होती है। जब हम नंबर लाइन पर राइट साइड में राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा स्मॉलर इंटीजर होगा वो हमारा लेफ्ट साइड में होगा और जो बड़ा इंटीजर होगा, जो ग्रेटर इंटीजर होगा वो हमारा राइट साइड में होगा। तो दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 इज ग्रेटर देन -4, -4 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3। यानी कि आप एक चीज जो नोटिस करो वो क्या है, -4 इज ग्रेटर देन -5, -4 इज टू द राइट साइड, -4 हमारा राइट साइड में है और -5 लेफ्ट साइड। जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे तो +2 इज ग्रेटर देन +1, क्यों, क्योंकि +2 हमारा 1 के +1 के राइट साइड में, तो वो इंटीजर जो हमारा ग्रेटर होगा, ठीक है, वो हमेशा कहां होगा, राइट साइड में होगा। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज इंटीजर्स इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, तो कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, अगर हम यहां पर आएंगे तो सी अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ए वाला, अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन को अगर हम देखें तो व्हाट टू बी फाइंड इन क्वेश्चन ए, -2 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, हेंस दैट मींस -2 लाइज टू द राइट साइड, राइट साइड ऑफ -5। ठीक है, राइट। सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है, -3 and 5। यू कैन सी -3 इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0 एंड +5 वुड बी टू द राइट साइड ऑफ 0। हमेशा हमको याद रखना है कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। पहली चीज, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, चाहे आपके पास -1000 दिया है एंड 5 दिया है या -1000 एंड 0 दिया है, 0 इज ग्रेटर देन फ्रॉम ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। 0 जो है वो सभी नेगेटिव इंटीजर्स से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा सभी नेगेटिव इंटीजर्स से ग्रेटर होते हैं, तो वो अगर ग्रेटर होंगे दैट मींस दे ऑलवेज लाई टू द राइट साइड ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सो इन केस ऑफ -3 and 5, ठीक है, -3 and -5, 5 इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 5 lies to the right side, of -3। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास -4 and -9, यू कैन जज बाय योर ओन कि हमारा -4 and -9, -4 lies to the राइट साइड ऑफ -9, क्योंकि -4 हमारा -9 से ग्रेटर है। ठीक है, -4 -9 से ग्रेटर है, दैट मींस -4 इज ग्रेटर देन -9, यानी कि -4 जो है दिस लाइज टू द राइट साइड ऑफ -9। ठीक है, 3 and 5, Now, these two are positive integers. ये दोनों हमारे positive integers. तो positive integers में 5 is greater than 3. That means 5 lies to the right side of 3. तो इस तरह के questions आपको मिल सकते हैं, ठीक है, आपकी exercise में कि भाई इसमें से कौन सा integer हमारा right side में है या कौन सा integer left side में होगा। तो आपको ध्यान रखना है वो integer जो हमारा
ग्रेटर होगा वो हमारा राइट साइड में होगा, जो इंटीजर हमारा स्मॉलर होगा वो हमारा लेफ्ट साइड में, राइट। इसी कंसेप्ट को हम किसी भी गिवन नंबर्स की सीरीज में, किसी भी सीरीज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं टू अरेंज द सीरीज ऑफ दोज इंटीजर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, एक असेंडिंग ऑर्डर का लेते हैं और एक डिसेंडिंग ऑर्डर का। सपोज वी आर गिवन राइट द गिवन इंटीजर्स, गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सो फॉर दैट पर्पस, सपोज वी आर गिवन द नंबर -5, -7, -9, 12, -2, -4 एंड 11। ठीक, अब हमें इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो राइटिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, द गिवन इंटीजर, राइटिंग द गिवन इंटीजर्स, गिवन इंटीजर्स, हम इन सभी इंटीजर्स को किसमें लिख रहे हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जब हम किसी भी स्टेयर्स स्टेप्स पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो दैट इज असेंडिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट हमारा विच नंबर इज स्मॉलेस्ट, -9। ठीक है, तो -9 इज स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले हमारे पास -9। ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन, तो -9। नाउ -9 इज स्मॉलर देन, -9 -7 से छोटा है। अब जो भी हमारे नंबर्स बचे हुए हैं इसमें हमारा नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज -7। देन -7 से छोटा नंबर हमारा -5, -5 से छोटा नंबर हमारा -4, -4 से छोटा नंबर -2, -2 से छोटा -2 हमारा -2, इससे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, दैट इज 11, और 11 से बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, दैट इज 12। सो दिस वे वी हैव -9, दैट इज द स्मॉलेस्ट वन, देन -9 से बड़ा -7, देन -5, देन -4, इससे बड़ा -2, फिर इससे बड़ा 11, फिर सबसे बड़ा 12। सो दिस वे वी हैव द इंटीजर्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली राइट द, वी आर गिवन वन मोर क्वेश्चन, राइट द गिवन इंटीजर्स, गिवन इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो सेम नंबर सीरीज को, तो हमें क्या करना है, 12, दैट इज द लार्जेस्ट वन। अब हमें डिसेंडिंग यानी कि हमको बड़े से छोटा लिखना है, तो 12। ठीक है, अब 12 जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर है देन 11, 11 हमारा ग्रेटर किससे है, -2 से, -2 इज ग्रेटर देन -4, -4 इज ग्रेटर देन -5, -5 इज ग्रेटर देन -7, एंड -7 इज ग्रेटर देन -9। सो दिस इज व्हाट योर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट
all about in this video. Go through, revise the things from the first video as well as from this video. In the next video, I will discuss about the addition and subtraction of integers. हम अगले वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक इसको रिवाइज करना है, आपकी जो एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस करना है. आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं, यू कैन सेंड मी इन माय कमेंट बॉक्स. ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. ठीक है, और मेरे चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.